नमस्कार, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर झांसी के गुरुसराय से। कस्बा गुरुसराय के नारायणपुरा निवासी दीनदयाल की पत्नी द्रौपदी ने 2 फरवरी को समाधान दिवस में अवगत कराया था कि 21 जनवरी को उनकी कार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास खड़ी थी। शाम के वक्त एक प्रभावशाली व्यक्ति अपने साथियों के साथ आया और जबरन कार को ले जाने लगा। कार मालिक ने मना किया तो उन्होंने हवाई फायरिंग कर दी और दहशत फैला दी। इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। साथ ही पुलिस ने कार मालिक के लड़के को कार के झूठे मुकदमे के चक्कर में जेल भेज दिया। इस मामले को लेकर महिला व युवक थाने पर पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। लोगों का आरोप है कि प्रदर्शन कर रही महिलाओं को पुलिस ने लाठी व डंडों से पीटा, जिससे शारदा व फुल्ला देवी, द्रौपदी व सचिन घायल हो गए। इस मौके पर कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्राइम न्यूज़ 24 के लिए करोठा समतर विधानसभा से नसीम खान के साथ कैमरामैन फहीम की रिपोर्ट। लड़ाई झगड़ा हो गया था मुकेश राठौर से, जो कि उन्होंने फर्जी चोरी वाहन में लगा दिया है, पैसा लेना ले दे के। अब वो 29 तारीख को पकड़े हुए थे, लिखित में भी है मुकेश राठौर के, जो राजीनामा हुआ था उसके बाद जेल भेज दिया है वाहन चोरी में। और हमारे साथ में मोहित कुशवाहा है, जो उनकी अल्टो है जो 4-व्हीलर, वो ले गए हैं मुकेश राठौर थाने से उठाकर। और हमारे सब लोगों के साथ हमने रोकने की कोशिश की तो उस पर फायरिंग की और गाड़ी चलाने की कोशिश की, रोका नहीं तो रोके नहीं, फिर भाग गए। आपकी गाड़ी आपके ऊपर चढ़ाने की कोशिश, अम्मा को लगी है यहाँ, अम्मा को पैर में लगी है। और जालौन थाना में कई लूट कांड के मुकदमे दर्ज है मुकेश राठौर के ऊपर, जिला बदर है। और गुरदा थाना में दलाली करता है।